क्या है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई भी वैष्णवाइट्स हो या साइबाइस्ट हो, शाक्त हो, गणपत्य हो, और फिर उसका जो मेथोडोलॉजी है, चाहे वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो, या फिर ये जो वैदिक तांत्रिक एक वैष्णविक अलग पद्धति बना जिसमें कर्मकांड नहीं है। हमारे यहाँ जो वैष्णव लोग हैं वो लोग जब महामंत्र का नाम करते हैं वो लोग कुछ नहीं, खाली फोटो रख दिया, नेताय गौर राधे श्याम, उसमें वो हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, वो एक सिंपल मेथड है वैष्णव का। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांडी होने से बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता है। तांत्रिक मेथड में भी ऐसा ही है। तो पर्टिकुलर जैसे ये पंडा मिश्रा सतपति और ये जो भी जो ब्राह्मण कास्ट हुए उनका ऐसे ही भाग कर दिया गया, शाखा कण शाखा, ये शाखा वो शाखा, गोत्र, फिर उसको कौन सा वेद में है, अलग अलग सब सब डिवाइडेशन डिवाइडेशन ग्रुपिज्म हुआ। क्यों हुआ? वो बेस करता है जेनेटिक एक स्ट्रेंथ को। जैसे नौमुद्री ब्राह्मण है साउथ में, अग्निहोत्र पंडित हैं, एक वंशगत अग्निहोत्री हैं और बाद में कुछ लोग अग्निहोत्री दीक्षा ले गए, तो ये तो सेपरेट फैक्टर्स हैं। लेकिन जिनका जेनेटिकली वो चीज मिला है, आज भी हमारे यहां एक ऐसा वंश, एक परंपरा, एक परिवार, एक गोत्री हैं जो हर दिन इतने प्रचंड शक्ति साधक हैं कि हर दिन एक बकरा बलि लगना ही लगना है। बकरा बलि लगे तो डेली खाएंगे। लेकिन वो उतना उग्र देवी को साधना करते हैं या उनका वंश परंपरा में है, अगर एक दिन वो बलि नहीं चढ़े तो उनका यहां सब कुछ हिल जाता है, तो उतना उग्र देवी का करते हैं। तो उस उग्र देवी को साधना करने के लिए जो जेनेटिक हमारे वो जो बच्चे हैं उसके घर के जो अगला पीढ़ी उतना स्ट्रांग अगर नहीं है, अगर वो लोग ऐसे साधना करते हैं तो संभाल पाएंगे क्या? दहल के फेंका के हज के खत्म हो जाएंगे। और उस वंश परंपरा में अगर ऐसे वीक बच्चा जन्म हुआ तो मर जाता है, रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कौन सा सैटिस्फाइड जीन चाहिए, उसी सैटिस्फाइड जीन के घर से ही लड़की आएगा, शादी करेंगे। जैसे हमारे पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर में एक परंपरा है कि वो अपने अंदर शादी करते हैं, ना वहां से कोई लड़की बाहर जाती है ना अंदर कोई आने वाली है। हो सकता है अभी कुछ लोग विघटित हो गए, लेकिन जो इंटरनल जो वहां का जो मेन सेवायत पंडित लोग हैं उनका रिलेशन उन्हीं के अंदर रहेगा। नौमुंद्री वालों का आसपास ऐसे ही कुछ नियम है, उतना डिटेल कहना ठीक नहीं है उनका बारे में। साउथ का, केरल का जो सबसे ज्यादा हाई जेनेटिक पंडित हैं, जेनेटिकली बहुत रिच है। और अभी उसके ऊपर एक तो फिल्म भी आया था जिसमें वो उसके वो जंगल का रानी है, माता है, उसको पकड़ती है, उसको कुछ ओस्कर ओस्कर या कुछ मिला हुआ अवार्ड फिल्म को। तो उस प्रकार के उग्र ऊर्जा और उग्र देवी को जो लोग धारण करते हैं उनके पास उस प्रकार का शक्ति होना चाहिए, तभी वो लोग धारण कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये बात है। ऐसे ही शिव के घराने में, साइबिस्ट में भी कुछ अलग अलग मेथड हैं, जो महाकाल का और सामान्य रुद्र का अलग अलग, उनको भी ऐसे ही जेनेटिकली उनके अंदर है। ऐसे कोई सोचो लो प्रोफाइल लो एनर्जी कैरी करने वाला जेनेटिक पर्सन अगर ऐसे हाई प्रोफाइल मंत्र और उस प्रकार के चीजों का प्रैक्टिस करने लगे तो रजिस्टर कर पाएगा या बैकफायर करेगा? तुम्हारे वंश परंपरा खानदान के अनुसार जिस लेवल का मंत्र तक जा सकते हो उस लेवल तक जाओ,
उससे आगे का प्रैक्टिस करने के लिए 3 जेनरेशन का फिर ताकत चाहिए। अब काली माँ काली का 24 मंत्र 24 अक्षरी तक है, लेकिन 36 अक्षर का भी एक मंत्र है, 1000 अक्षर का भी एक मंत्र है, 100 अक्षर का भी एक मंत्र है, लेकिन उस मंत्रों में हाथ मारने के लिए ऐसे ही यंत्र है। एक जनरली जो YouTube या आपके चीज में मिल जाएगा, त्रिकोणम षटकोणम वृत्तम चतुष्कोणम, ये जो इस प्रकार का मंत्र यंत्र है 5 त्रिकोण का और उसमें अष्टदल पद्म, ये एक बेसिक यंत्र है। लेकिन जिस दिन ओरिजिनल मां दक्षिण काली का यंत्र देखोगे तो हजम नहीं होगा कि कौन सा कहां इन करना कहां आउट करना, तो उस लेवल का यंत्र है। अच्छा, वो यंत्र केवल साल में एक ही बार दिखाई देता है और कोई भी उसको डिस्क्लोज किया, कोई बाय मिस्टेक उसको YouTube ये फेसबुक फोटो वोटो उठा दिया, तो अब तक जो लोग किए हैं आज तक नहीं है, आज तक नहीं है, मैं नहीं देखा। और उस फोटो को जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक इनका जिंदगी हालत बिगड़ा हुआ रहता है। एक्चुअली वहां कैमरा तो कोई लेके जाने का साहस करता नहीं है, या मोबाइल में भी उठाने का कोई साहस नहीं, लेकिन इतना गुप्ताति गुप्त विद्या है जिसको समझ पाना बहुत दुरूह है। और कल वही जो बता रहा था, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, तो तुम जिस पल कैमरा लगाते हो ये यंत्र ही तुम्हें उल्टा दिखाई देगा। वो यंत्र ही ऐसे बना है जैसे गेस्टाल्ट पिक्चर, जानते हो? नहीं मैं जानते, गेस्टाल्ट एक ऐसा चित्र है, ऐसा चिन्ह है। आप ऐसे क्रोम को खोलिए और क्रोम ब्राउजर में लिखो गेस्टाल्ट, लिखो दिखाई दे रहा है चित्र। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है वो बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आया चित्र को देख? 2 से 3 चीजें दिख रही हैं। क्या क्या? पहले तो एक दिख रहा है कि एक लेडी है, एक लेडी है, जवान है, नहीं ओल्ड है, ठीक है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? इसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है छोड़ दो, इसे दिखाओ, आप देखो क्या दिख रहा है, आप देखो, आपको क्या दिख रहा है इसे? बोलो। कोई मतलब कि अच्छा जैसा चेहरा लिया है, राक्षस दिख रहा है उसको, ठीक है, किसको और किसको दिखाओगे तो कुछ और दिखाई देगा, इसका चेहरा ही तो लग रहा है माना। हाँ वो राक्षस ही, ठीक, तुम ठीक देख रहे हो, काला बिल्ली सा। हाँ काला बिल्ली, अरे हो गया ना, उसको दे दो, वो मैटर मैटर नहीं है। इसको बोलते हैं गेस्टाल्ट। तुम्हारा बीबी को दिखाओ फोन करके, इस चित्र को बोलेगी छोटी सी लड़की है। तुम्हारा बच्चा को दिखाओ तो बोलेगा वो तो बच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अलग आपका विजुअलाइजेशन के अनुसार ये आपके सामने आता है। ऐसे बहुत सारे गेस्टाल्ट मिलेगा आपको, हजारों लाखों गेस्टाल्ट चित्र हैं। तो वो यंत्र भी इसी प्रकार का रचित हुआ है जो तुम्हें उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं दिखाई देगा जब तक भेद नहीं करते हो। जब भेद करोगे उसके अंदर का एक्चुअली फॉर्म पे आओगे तब तक तुम यंत्र बन गए होगे, तुम स्वयं उस यंत्र में आविष्ट हो चुके हो। वो ऐसे देखते ही तुम्हारे अंदर आया और तुम्हारे अंदर प्रवेश किया तो तुम्हारे सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स सेल्स टिश्यूज उस फॉर्म पे ले लेगा। देन फिर तुमको कोई भी प्रश्न किया जाए वो यंत्र ही निकाल के तुम्हें सब कुछ चैट जीपीटी गूगल जैसे बता देगा, ठीक है। यहां क्या कह रहा हूं, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू ड्रॉ एंड रिसीव। उसी यंत्र का भक्त करके अष्टकाली का यंत्र बना और उसी अष्टकाली से संध्याकाली और दंडकाली का रूप बना, क्योंकि वो उग्राति उग्र फॉर्म है। जब तक कोई दंडकाली का नृत्य नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। वहां काली को किसी फॉर्म में पूजा नहीं किया जा सकता, जो करेगा उसी को खा जाएगा।
यहां कोई काली माई नहीं खा रही है, तुम रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो ऊर्जा को, तुम्हारा बॉडी जेनेटिक, तुम बोलोगे हम यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिकोंडी डीटी गैमेक्सिन थीमेट खाने वाला, हड्डक बलगर पिज्जा चौमिन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट खाने वाला, इतना लो प्रोफाइल का फूड खाने वाला, तुम उतना हाई प्रोफाइल एनर्जी को जब रजिस्टर करने के लिए जाओ और तुम्हारे अंदर आए और जो तुम्हारे अंदर जो साउंड आएगा ना, सिस्टम फट के रख दे, फाड़ के रख देगा, क्योंकि इतना भयंकर ऊर्जा ना, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक तुम साउंड रेजोनेंस में कन्वर्ट करोगे उसको। तो उसके लिए माँ दंड काली को जो उसका जो आउटसोर्स एनर्जी हुआ उसको डांस और एक नृत्य एक एक्ट के फॉर्म में ले लिया गया, कि उस वो एनर्जी जब रात को 12 बजे एग्जिबिट हुआ, ट्रिगिंग हुआ, ओवर वे हुआ, हाई फोर्स कराया, मारता है करंट ऐसा धड़ाम करके जो जिधर भाग के दौड़ के भाग जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक आदमी के अंदर घुसेगा, उस आदमी को फेंट कर देगा, वो उसके लिए उसका बॉडी को कंप्लीट प्यूरिफाई रखता है 14 दिन तक बिना खाए पिए, ओनली उसका कुछ रूल्स है, उस प्रकार का चीज खाते हैं और उसका भोग भी है पूरा प्योर फुल्ली मोहली महुआ, वो दारू तुम सूंघोगे तो बेहोश हो जाओ, उस महुआ के ऊपर एक माचिस मारो आग जलेगा, इतना सुपर अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल हो चाहे इथाइल अल्कोहल हो, बोलते हैं उसमें गाड़ी भी चलता है, उस पावरफुल वाइन उसका भोग लगता है। तो उसके लिए कितना दिन से बनाया जाएगा, मार्च महीना का पहला महुआ का फूल उसका भोग चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग विधान है, तो उसको अगर डेंस फॉर्म पे लेके आएगा तभी वो सौम्य बनेगी, लेकिन जो डेंस करेगा उनका डेंस देखोगे तो आज तक वो माइकल जैक्सन और क्या नाम है प्रभुदेवा, उनके आगे कोई मतलब नहीं रखता, इतना स्पीड। अब सोचो भूखे, खाया नहीं पिया नहीं कुछ, भम 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 करके नाचे, और उनके आंख में ऐसे देखोगे तो आंख में आंख दिखाया तो तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सीवियर हिप्नोटिज आईज, क्या कामना है उस आंख में, तब याद आएगा कामिनी काम रूपाच काम पीठ निवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीड़ा कुश्चिता कलह प्रिया कुंडगोल भव प्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धनी कुंभस्थनी कलाक्षात कव्या कोक नद प्रिया कंतार वासिनी कांति कठिना कृष्ण बल्लवा, ये एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में एकदम आ जाएगा ढड़ाम करके, हाँ यस दिस इज काली, और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेती है, वहां वही एनर्जी शिफ्ट करते रहता है, तो उसको होल ओवर द नाइट उस एनर्जी को ला के डेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तब वो विश्व कल्याण में लगती है, लेकिन उसके लिए उस प्रकार के ग्रॉस जीन चाहिए, हायर सप्टर जीन कोई पंडित उसको नहीं कर सकता, ब्राह्मण जीन में वो करने का दम नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्थूल रूपा है वहां, और दक्षिण काली का हायर प्रथम बहुत सूक्ष्म रूपा है, और उसके लिए चाहिए रामकृष्ण परमहंस जैसे का जीन, उसमें वो उतर सकती है, लेकिन ये दंड काली संध्या काली को उतरने के लिए एक लो प्रोफाइल जीन चाहिए, वहां पर कन्फर्मेशन रूप ले लेती है कुरुकुल्ला, और हमारे यहां के जितने आदिवासी क्षेत्र है वो उस रूप में पूजा करते हैं। तो हाँ, उसको कैसे अपने जीन को उस लेवल तक ला सकते? नहीं ला सकता ना, तुम अगर हायर प्रोफाइल पे चले गए, तुम बोलते हो रिपीट हम दूसरे लोअर लेवल पे जाएं, नहीं जा सकते, और जाओ तो डिस्ट्रक्शन और डिजेनरेशन हो जाएगा। सोचो तुम मिश्रा पंडित हो, यहां पर आए और यहां पर जो हम लोगों का आदिवासी क्षेत्र का किसी लड़की से शादी किए, यहां हुआ है वो रिसर्च, एक बदमाश पंडा ये किया था, सारे मर गए, खत्म हो गए, हाँ वो हायर जेनेटिक फॉर्म जब लोअर जेनेटिक फॉर्म, और केवल वो मूर्ख इसीलिए किया था कि इसी काली का चक्कर में, और उसको सब मिल गया, टॉप लेवल का हमारे बहुत बड़ा राजनीतिक सफलता से लेके पैसा वैसा से लेके सब कुछ मिला, लेकिन जिंदा रहने नहीं दिया, क्यों,
क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में गया। लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना है आपको, लॉ को स्वीकार करना है। प्रकृति है ना, माई प्रकृति है, तो प्रकृति के विरुद्ध में जाओगे तो कैसे जनरेट करेगा। ये जितने हाइब्रिड सीड्स, जीएम सीड्स, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है ना, तो उसी को खा के तो कैंसर में मर रहे हो सब कोई, तो सब चीज में आ गया है। हाँ, आप सोचो 1981 में गोभी का दो पत्ता आप अगर भूंज लेते हो ना, तो दो थाली भात, छह सात रोटी ऐसे ही उड़ जाए, इतना टेस्टी था। टेस्ट बचपन में तो, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भी बचपन में भी गोभी पालक साग खाने में कितना मस्त लगता था। आज तो मतलब हर कुछ खा लो सब एक ही तरह। आज नहीं है, क्यों नहीं है, जेनेटिकली डाउनफॉल हो गया, हो गया, जीएमओ आ गया, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल। और इसीलिए हम लोग सारा काम छोड़ के इसी चक्कर में इस सबको रीजेनरेट बचाने के लिए प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, देसी गाय, इसी में पागल होके घूम रहे हैं। क्यों, पैसा कितना भी कमा लो, जब तुम जियोगे नहीं, जियोमो ही खाना है तो कैंसर होके मरना है, चाहे करोड़ रुपया खर्चा कर दे, ये कितना भी पूजा पाठ कर ले, अंतर मंत्र जंतर कर ले, लेकिन बॉडी में ये तो जनरेट कर गया ना, तो पहले क्या चाहिए इसको, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पहले मैं रहूंगा तब ना कुछ रहेगा, फिर काली या लक्ष्मी या सरस्वती या दुर्गा, तुम ही नहीं हो तो फिर कौन काली दुर्गा सरस्वती, कॉन्सेप्ट क्लियर।